तो गाइस जस्ट अभी हम पहुंचने वाले हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में जो कि है रानीकोटा। और कसम से जो वेदर में घर से सोच के निकला था मौसम बिल्कुल टिक तो वैसा ही हुआ पड़ा है। कसम से ऐसा नजारा अभी मैं आपको कुछ देर बाद दिखाऊंगा जो आपके दिल दिमाग से एक ही बात निकलेगी कि यूके वाले मजा आ गया कसम से। अरे बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा टाइगर, पानी बहुत तेज है, पता भी नहीं लगेगा कहाँ को गया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया और तगड़े होंगे एकदम। और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज ये है भाई कि अब हमारी जो है उंगली वो हो गई है ठीक। ये आप देखो जो है नाखून उतार रखा था तो इसमें नया नाखून भी आना अब स्टार्ट हो गया है। तो भाई अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको लेके चलूंगा एक बेहतरीन से सफर में। उससे पहले एक दो चार ब्लॉग बेहतरीन से शूट करते हैं जिससे कि हमारा रिदम भी बन जाए। और अभी क्या है कि नैनीताल पूरे उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह सारे बंद कर रखे हैं। तो तब तक मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो खूबसूरत से टूरिस्ट स्पॉट है और धार्मिक स्थल है, तो वो सारा कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सीरीज आज से शुरू होती है। तो गाइज आपने सबसे पहला काम करना है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी वीडियो आज इस सीरीज का आप मिस ना कर सकें। तो अभी मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो आता है तो यहाँ से 3-5 होते हैं। और बेसिकली आज हम आपको लेके चल रहे हैं नैनीताल के सबसे खूबसूरत कस्बे में और वो है अपना कोटावा। क्या बात है। तो भाई ये आ गया अपना दोस्त खन्नी लाहौरी, हाय कर दे भाई। Hello. आप ओ मेरी जान, ये आ गए हैं भाई बादशाह लोग, क्या हाल है भाई? बढ़िया। ये अब तुमने कल ये वीडियो देखना है ठीक है सर। और कमेंट जरूर करना, खा दो लाइक शेयर कमेंट ये तो ठीक है। तो गाइज ये है रामनगर और हल्द्वानी वाला हाईवे और ठीक आप ऊपर देखेंगे बोर्ड में तो ये है कोटाबाग 15 किलोमीटर। अगले चौराहे से हमें लेना है राइट, तो सीधा चलते हैं भाई। अभी हम बढ़ रहे हैं पॉलगढ़ की तरफ को और कल रात यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश हुई थी तो पूरा हाईवे का हाल देखो कैसा हो गया है। और आज कसम से पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट है बारिश का, तो मानसून अपनी प्रचंड फॉर्म में है। पूरा पहाड़ नीचे आ रखा है। तो गाइस हम बस अब जस्ट कोटाबाग में एंटर करने ही वाले हैं और यहाँ से जो हमें ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ है वो दिखने अब स्टार्ट हो जाएंगे। और जो व्यू है, जो नेचर की खूबसूरती है, वो मानसून की वजह से भाई एकदम नेक्स्ट लेवल हो रखी है। और गाइज यहाँ पे अभी जो आसपास का व्यू है वो इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है तो वो आपको दिखाना तो बनता ही है। तो यहाँ पे एक लेते हैं ब्रेक और आपको दिखाते हैं बेहतरीन नजारे से, आपका आमना सामना करवाते हैं। अभी जो आपको मैंने बेहतरीन नजारे के दीदार कराए थे तो काफी ज्यादा मेहनत हमें लगी इसको लेने में। आई होप आपको ये व्यू अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी हम मेन कोटाबाग में तो पहुंचे भी नहीं है, ये अभी स्टार्टिंग का ही नजारा था। कोटाबाग जस्ट अभी हम पहुंचने वाले हैं और फिर वहां चल के आपको बेस्ट से बेस्ट नजारा दिखाते हैं। कैसा लगा था तेरे को, कैसा लगा? तगड़ा ना, लोकेशन आ रही है ऊपर से, तगड़ी आ रही है ना। हमें तो भैया व्यू बहुत शानदार लगा है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ये मेन काम है आपका आज। तो गाइस फाइनली हम एंटर कर चुके हैं यहाँ पे कोटाबाग की मार्केट में और काफी छोटी और काफी खूबसूरत सी ये मार्केट है जहाँ पे आपको जरूरत का हर एक सामान भाई यहाँ पे मिल जाएगा। और यहीं पे ही जो है टैक्सी और बस अड्डा भी यहीं पे है कोटाबाग का। और ये आप चारों तरफ देखेंगे तो ये है मार्केट कोटाबाग की। तो गाइस अभी हम जस्ट इस तरफ से आए हैं आपको मार्केट का व्यू दिखाते हुए और हमने ठीक इस तरफ जाना है। यहाँ पे पार्किंग में अपनी थार हमने खड़ी कर ली है, यहाँ पे रुके हैं एक छोटे से कॉफ़ी ब्रेक के लिए, फिर ये एक कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद से फिर चलेंगे आगे और बैठते हैं ऊपर। ऊपर चल के भी जो नज़ारा आपको दिखेगा वो खुद आप अपनी आंखों से देखें। ये रहा दाबका नदी, दाबका नदी का व्यू और अभी कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा पर पानी का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ तक पानी का साउंड क्लियर आ रहा है। और अभी हमने रानीकोटा जहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ पे ठीक हम इस नदी में उतरेंगे, पास चल के आपको सारा कुछ दिखाएंगे। और उस तरफ हमने अभी आगे बढ़ना है, कसम से बादल दिख रहे हैं वहाँ पे,
और गाइज अभी जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे हमारे बिल्कुल पैरलर हमारे आमने सामने बिल्कुल बादल आ जाएंगे। तगड़ा ही मजा आने वाला है, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें और आई होप वीडियो अभी तक आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज इस बेहतरीन से नज़ारे के संग यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉफ़ी को इंजॉय, और कसम से जैसा मौसम मैं सोच रहा था कि आज देखने को मिले वैसा ही हो रहा है, एकदम मज़ा आ गया। क्यों भाई? एकदम मामला चिल हो रहा है, एकदम चिल, क्या बात है। चेस कॉफ़ी भी चेस कर लेनी चाहिए कभी कभी, क्यों? और तो गाइज अभी कॉफ़ी पीते पीते हमें कोटाबाग की एक नई बात पता चली है, जहाँ पे भैया ने हमें बताया कि कोटाबाग कहने को तो वैसे काफ़ी छोटा सा एक कस्बा है, पर इसकी खास बात यह है उत्तराखंड कुमाऊं में जितने भी रहने वाले पहाड़ी बंदे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी रिश्तेदारी कोटाबाग में ना हो, चाहे दूर की हो चाहे पास की, हर एक बंदे की यहाँ रिश्तेदारी जरूर होती है। क्यों भाई? तो अगर आप उत्तराखंड कुमाऊं में रहने वाले हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कभी कोई रिलेशन वाला यहाँ कोटाबाग में रहता है क्या। हम तो गाइस कॉफ़ी को निपटाते हैं जल्दी, उसके बाद से चलते हैं। कसम से सामने का जो वेदर दिख रहा है वो देख के कसम से यार रहा नहीं जा रहा। तो भैया अब चाय कॉफ़ी सब पी लिए और यहाँ पे भैया के पास हम रुके थे और इन्हीं भैया ने हमें जो वो था क्या था कोटाबाग के बारे में एक जो बेहतरीन सी बात थी वो इन्होंने हमें बताई, तो आप सीधा यहाँ से चलते हैं। ठीक है भैया, बाय बाय। ठीक है सर। तो गाइज हम कोटाबाग की मार्केट से थोड़ा आगे आए हैं, तो यहाँ आपको स्क्रीन में दो रोड दिखाई दे रही होंगी जो सीधा नीचे ये चले जाती है कालाडूंगी होते हुए हल्द्वानी को, हमें सीधा ऊपर वाला रोड लेना है जहाँ भी बाइक जा रही है, तो ये रोड जा रहा है सीधे पांडे गांव को। तो गाइज अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमें लोकल के ही मिले, आप लोग यहीं कोटाबाग से ही हो ना? तो ये भाई कर रहे हैं थार के संग फोटोशूट, करो अपना एंजॉय करो गाइज। और यहाँ पे हम जहाँ पहुँचे हैं यहाँ से सारा का सारा नीचे कोटाबाग की मार्केट, और ठीक अगर दूर देखेंगे कैमरे में तो कैप्चर नहीं हो पाएगा पर यहाँ से बाजपुर तक की मार्केट साफ दिखाई देती है, इतनी हाइट पे है भी हम यहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं थार की छत में जाके आपको दिखाता हूँ व्यू। तो गाइज ये आ गया हूँ मैं थार की छत में आपको सामने का नज़ारा दिखाने के लिए। तो ये रहा सामने का व्यू, आपको इस तरफ की जो एक घर दिखाई दे रहे हैं ये तो कोटाबाग है, और वो दूर यहाँ से बाजपुर तक का एरिया साफ दिखाई दे रहा है, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे अभी हम हैं। तो गाइस अभी थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे पहली वाटर क्रॉसिंग हमें मिल गई है, और पानी का लेवल देखो अब कितना ज़्यादा है, वह बहुत है यार पानी तो। क्यों? तो गाइस अभी जो आपने अपनी स्क्रीन पे बेहतरीन सा रिवर का नज़ारा देखा तो वो ठीक इस वाली रिवर का मैंने आपको दिखाया, और कसम से मेन लोकेशन पे हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि जगह जगह इतनी ज़्यादा कैप्चर करने वाली जगह और खूबसूरत सा नेचर देखने को मिल रहा है, तो बिना वो आपको दिखाए आगे जाना तो भाई क्या होगा, गुना होगा गुना, क्या बात है। और गाइस मज़े वाली एक बात मैं भी आपको और बताऊँ, वेदर जो है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है पर बीच बीच में जो काली धूप होती है वो आ जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा भाई मेहनत लग रही है ये सब शॉट वगैरह लेने में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कहने का मतलब मेरा यह है कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना वो प्लीज ना भूले। तो भाई अब फाइनली अब हम पहुंचे हैं रानीकोटा, और कसम से सामने जो यहाँ पे वेदर देखने को मिल रहा है ना, कसम से अल्टीमेट है, कोई तोड़ नहीं उस चीज की। और एक मजे वाली बात मैं भी आपको बताता हूँ, हम घर से निकले हैं 9:30-10 बजे और यहाँ पे टाइम जो है अब 2:30 होने वाला है, और ये घर से हमारी जो लोकेशन है 25-30 किलोमीटर के ये बीच में है, आप तो मजे से 8-10 मिनट का ये वीडियो देखोगे और हमें देखो कितना ज्यादा टाइम लग गया सारा कुछ एकदम डिटेल में आपको दिखाने में। ओफो पानी, और पर यार गंदा है पानी काफी ज्यादा ना। तो गाइज आपको अब दिखाते हैं, यही हमारी फाइनल लोकेशन थी, तो सारा कुछ आपको दिखाते हैं, मजा आ जाएगा। एक पानी का झरना ऊपर से भी आ रहा है तगड़े वाला। तो गाइस थार अपनी पार्किंग में लगा दी है, और इसी के गाड़ी के जस्ट बगल में आप देखोगे तो सामने रेस्टोरेंट वगैरह है और कई सारी हट बनी हुई है एकदम, और इसी के बगल में यह है दापका नदी, और पानी का आप बहाव देखो कितना ज़्यादा है, और एक छोटी सी नदी आप देखेंगे तो सामने से उस तरफ से आ रही है,
और सामने वाली नदी का पानी तो एकदम व्हाइट दूध की तरह चमक रहा है, पर ये वाला पानी जो ऊपर पहाड़ों से आ रहा है ये एकदम मिट्टी वाले कलर का इस टाइम हो रखा है। और इसी के जस्ट बगल में ये यहाँ पे पड़ता है एक पुल, जो कि मेन अट्रैक्शन का यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम की रील बनानी हो या बेहतरीन से बेहतरीन फोटो शूट करना हो, उसका ये मेन अड्डा है भाई। और ये आप देखेंगे पुल के इस तरफ पानी का बहाव आप चेक करो कितना ज़्यादा है, और एक पानी का झरना ठीक उस तरफ गिर रहा है, और इस तरफ भी कई सारी यहाँ पे रेस्टोरेंट और हट वगैरह है। कसम से मज़ा आ गया यार, क्या मौसम हो रहा है आज का। गाइज आप ये सोचो जब यहाँ से आप मैगी ऑर्डर करके जो आप यह रिवर में बैठ के खाओगे, कसम से फुल्ली एडवेंचर वाला फील आपको आने वाला है। और सामने आप देखो बादल कितने पास है हमारे, घने बादल छाए हुए हैं और मौसम ऐसा हो रहा है किसी भी टाइम यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो सकती है। और आपको अब इस एंगल से तो हमने दिखा दिया व्यू कितना प्यारा आ रहा है, अब ठीक उस तरफ चलते हैं। अभी कैमरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, उस तरफ एक टेम्पल है वो चल के आपको दिखाता हूँ। अरे बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा टाइगर, पानी बहुत तेज है, पता भी नहीं लगेगा कहाँ को गया। आप मेरी जान खतरों का खिलाड़ी है क्या? तो गाइस पानी का बहाव देखो आप कितना ज़्यादा है। अभी ठीक मैं सामने उस वाले रेस्टोरेंट में था, अभी मैं इस तरफ आया हूँ, काफ़ी लाउड होकर बोल रहा हूँ क्योंकि पानी का शोर एक्सट्रीम लेवल पे है भाई। और जो पानी के अंदर पत्थर लुढ़कने की जो आवाज़ें आ रही है ना, पत्थर से टकरा रहे हैं भाई साहब, बहुत बड़े बड़े साइज के पत्थर ही ऐसे ही बहाने जा रहा है अपने साथ। बहुत ज़्यादा पानी है यार, बहुत ही ज़्यादा। और इधर से जो रिवर आ रही है वो आप देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, ये कसम से अलग ही फील आ रहा है इसे देख के। और ये बड़ा सा पत्थर आप जो देख रहे हैं इसके ऊपर एक टेंपल आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस टेंपल की ये खास बात है इस नदी में जितना मर्जी पानी आ जाए यहाँ से बड़े बड़े पत्थर और ये गांव के गांव बहा देती है ये नदी, पर इस पत्थर के ऊपर जो मंदिर है इसको आज तक एक इंच नहीं हिला पाई है। तो ये जो है इसे आप चमत्कार माने क्योंकि मुस्कराइए आप उत्तराखंड देवभूमि में है। तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखना प्लीज़ ना भूलें। तो भाई चारों तरफ जाके आपको जो व्यू है वो दिखा दिया है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। और कसम से अभी इस पुल के ऊपर से मैं निकल रहा हूँ तो हल्की सी जो कंपन है पूरे पुल में कंपन हो रही है, इतनी तेज पानी नीचे चल रहा है। और पानी का शोर तो आप लोगों ने सुनी लिया होगा। तो अब जिसकी बारी है, अब बारी है बेहतरीन से ड्रोन शॉट की, क्या बात है। तो पैरेलल आपको व्यू तो दिखा दिया, अब हाइट से दिखाते हैं ये नज़ारा कैसा लग रहा है। तो गाइज अभी जो मैंने आपको बेहतरीन से रानीकोटा का जो दीदार कराया ड्रोन शॉट से, आई होप आपने व्यू ये इन्जॉय करा होगा। अगर व्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी क्या है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, भूख लग रही है काफ़ी तेज़, तो सीधा यहाँ से 3-2-5 होते हैं घर की तरफ। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, आई होप वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इन्जॉय करा होगा। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को प्लीज़ ना जाएँ और बेल आइकन साथ के साथ ज़रूर दाब दें। तो मुलाकात होती है एक बेहतरीन से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।